पति तकलीफ देता है, पी के आके रोज मारना, नहीं कमाता, घर को कुछ भी नहीं देता, पीना, आको लड़ाई करना, घर के चीज़ें सब लेके जाके बेचना, ऐसा करता है। मैं भी कंप्लेंट दी थी, वो तो केस रत्ति भी कान पे नहीं लेते स्टेशन में, जा तेरे पति को मार के आके हमको बोल, हम तेरे पर केस बुक नहीं करते, जाओ करके बोलते हैं। और महिला अभिवृद्धि को हम ऐसे HIV एड्स के बारे में मीटिंग को जाते थे हम, उधर ब्रेक थ्रू से हमको मालूम हुआ लेडीज़ के लिए क्या क्या अधिकार है करके, हम उसके जरिए से इसको गए थे हम महिला अभिवृद्धि को, उधर भी कुछ भी हमारा सुनते ही नहीं, सुने ही नहीं। हम कंप्लेंट देके भी 6 महीने हो गया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मेरे पति को भी बुला के कुछ भी रहती बात नहीं की है, वो अब भी ज़्यादा कर रहा। मैं भी 2 बार टैबलेट खा गई थी, नहीं जीना मर जाना करके, बहुत तकलीफ देता मेरे को तकलीफ देके, इधर पूरा खून आता था, इधर ये पूरा फूक गया था, ऐसे ही हालत में गई, वही पानी देके धोने बोले, पूरा खून धो करके, वो कोई क्या बोले तभी कुछ भी एक्शन नहीं लेते। वो तुम्हारा कभी ये मामूली हो गया जा करके बोलते, रात के 12-1 बजे गई ऐसा ही खून के हालत में, एक बार तेल डाल दिया था जलाने के लिए, वो तेल के हालत में ही गई, तो जा पहले कपड़े बदली करके आओ जाओ करके बोलती हूँ। पुलिस वाले तो रत्ती भी कान में कुछ भी नहीं ले रहे हैं पुलिस वाले, चाहे एक 8 साल का एक 4 साल का है, दोनों भी स्कूल को, बच्चे भी इसके तरफ से बहुत बिगड़ जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल को जाने नहीं देता, रात में सोने नहीं देता, बच्चों को भी बहुत तकलीफ दे रहा है, मेरे बच्चे के लिए मैं जी रही हूँ। बेकार बैठ के सब भी हमारे पीछे आके उनको अंदर बुला के बात कर रहा है, हम लोग को गए तो जाओ बाहर बाद में हो, जाओ बाहर बाद में हो करके हकाल रहा, हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। बाद में हमको गुस्सा आ गया, बच्चे सब भूख से रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम 10 बजे 4 घंटे हो गए, बच्चे सब भूखे हो गए, तुम्हें कुछ भी एक्शन नहीं ले रही ना, तो बाद में कंप्लेंट लिखा के भेज डाले, 6 महीने में अभी को भी कुछ भी एक्शन नहीं है।